रहमान रहीम दी मैनेजर ग्रुप रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर ग्रुप ने एक नया आगाज कर दिया नए प्लाट का। ये प्लाट जो है ये हम शुरू करने जा रहे हैं, इसकी आज है लीन। हम करते हैं टेंकियों के साथ, मगर मौसम की वजह से हम जो आज सिर्फ लीन कर रहे हैं, उसके बाद इसकी कुछ पहले हैं वो करेंगे। और आपको मेरा एक मशवरा, ये वीडियो जो आपने ये शुरू से लेके आखिर तक देखनी है, और इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं जिस तरह प्लाट की खुदाई आपको दिखाई है, उसके बाद ये जो जब लीन होगी ये भी दिखाऊंगा, और आखिर तक ये आपको मैं दिखाता रहूंगा इंशाल्लाह साथ साथ जो काम हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीन का आगाज कर दिया है, लीन शुरू हो गई है। ये देखो सामने पत्ता पड़ा है और इंजन पड़ी है, ये जो हमने लीन की है टेंकी के ऊपर थोड़ी सी कम की है, तकरीबन 1 इंच की है। इसकी वजह भी आपको बता दूँ, और इसे रोल लेवल का साफ करनी होती है, रोल लेवल का हमारा इसमें 2 फुट नीचे इसकी खुदाई जा रही है, क्योंकि टेंकी की गहराई जो है हमने 4 फुट करनी है, इसलिए इसकी खुदाई होगी तो उस वक्त ये मुश्किल ना हो, इसलिए हमने इसको ये समझ लें ज़मीन को काला किया। बाकी लीन जो है ये तकरीबन 3 इंच हो रही है। इसी तरह हमने दोनों टैंकी को सब टैंक और वाटर टैंक का निशान लगा दिया था, इसका हो जाए अपना चाहे था। माशाल्लाह बड़ी महारत के साथ ये काम कर रहे हैं। कैमरा मैन दूर निकल गया, जरा करीब आ जा मेरे से। ये टैंक है, इसके बाद हमने ये प्लाट की हदूद का निशान लगा दिया। ये जो प्लाट है ये हमने अपना पूरा कर लिया है। ये चूना इसलिए लगाया है, यहाँ से हमने तकरीबन 2 फुट गहरी खुदाई करनी है, जिसको टो वाल कहते हैं, ताकि उसकी वजह भी साथ साथ आपको बताता हूँ। जो साथ वाला बंदा खुदाई करेगा वो अगर उसका रोल लेवल से 4 फुट भी हुआ तो ये कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी 6 फुट रोड से गहरा होगा। इसलिए हम कहते हैं ना इस प्लाट को नुकसान हो, ना आने वाले को नुकसान हो, कोशिश करते हैं किसी का भी नुकसान ना हो। हमने जो है ये जो टेंकी हैं इनकी प्राइस भी करनी थी साथ ही, और लीन भी करनी थी, मगर हमारी ये मजबूरी बन गई है कि मौसम जो है ख़राब हो गया, 2-3 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं, और ये भी पता चला है कि कह रहे हैं कि नेट बता रहे हैं कि ये 4-5 दिन बारिशें रहनी है। इसलिए हमने कहा कि पहले लीन कर देते हैं ताकि प्लाट में पानी खड़ा ना हो, उसके बाद कुछ पहलेंगे वो पहले भी डाल देंगे, और प्लाट हमारा भी साफ रहेगा और गंद छंद नहीं पड़ेगा। शायद भाई बेहतरीन करके ठीक है। ये जो निशान लगे हुए हैं ना, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माल डाल, इसको सिर्फ काला करना है, तो बाहर जो है वो 3 इंच डालनी है, अंदर 1 इंच डालनी है, मैंने मिस्त्री को बता दिया है। साथ ये भाई लगे हुए हैं खान साहब, ये आप देख सकते हो दीवार से मिट्टी हटा रहे हैं, ये पत्थर आ गया इसको भी हटाते हैं, वो अपना बदान या थोड़ा बड़ा लेके आते हैं इसको तोड़ते हैं, वो भी तोड़ते हैं, और ये साथ साथ प्लाट बराबर कर रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह 1.5 घंटे तक काम हो जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको प्लाट की वीडियो दिखाई है जहाँ से लीन हमने शुरू की है, दवा के बाद हमने आगाज़ कर दिया था। ये चीज़ें कुछ बाकी थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 2 रेडी क्रेश होती है, और 1 रेडी जो है वो रेत डाली जाती है, और साथ साथ ये आपके सामने ये माल तैयार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और ये माशाल्लाह लेके जा रहे हैं साथ साथ ये कुछ बैठ करके, आप देख सकते हैं वो बंदे रेडी लेके जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये रेत का काम कर रहे हैं साथ साथ, और नींद जो हमारी मुकम्मल होने को है थोड़ा सा काम रह गया, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 1 घंटा पहले काम शुरू किया, ये आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा काम रह गया, ये आप देख सकते हैं बस 4th हिस्सा रह गया तकरीबन, वो आप देख सकते हैं 3 हिस्से काम हो गया, थोड़ा काम रह गया, ये भी आपको दिखाते हैं। ये लीन की जाती है, ये लीन जो तकरीबन आप समझ लें कि आधा लेंटर होता है, क्योंकि लेंटर जो है वो 6 इंच की बुराई होती है उसकी, और इसकी जो 3 इंच की बुराई हो रही है ये आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह ये सामने हाजी हैदर साहब भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये भी देख रहे हैं साथ साथ, हमें मशवरा भी दे रहे हैं, और बुज़ुर्गों की माशाल्लाह बड़ी बरकत होती है, साथ साथ हमारे लिए दुआ भी कर रहे हैं। आप सबसे भी दरख्वास्त है दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए, और काम माशाल्लाह मुकम्मल होने को है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इंशाल्लाह। बादल भी खूब आ गए हैं,
उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह ताला कि अगर हमें एक घंटा टाइम मिल गया तो हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी और फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। कंक्रीट के लिए एक घंटे से दो घंटे टाइम होता है, अगर वो मिल जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं बनती। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि खैर खैरियत से काम भी हो जाएगा और क्या कहते हैं बारिश जो है उससे भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये जो हमारी लीन है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है और ये अल्लाह से हमारी दुआ है कि या अल्लाह पाक ये दो ढाई घंटे हमें बारिश से बचा ले ताकि ये इंशाल्लाह ताला खुशक हो जाएगी। ये कंक्रीट का यही होता है, डेढ़ से दो घंटा टाइम मिल जाए ये खुशक हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी जो कि अल्लाह ताला ने हमारे पे बड़ा करम किया है, हमने ये टाइम पे जो है लीन वगैरह कर ली है। अब जो है वो मशीन वाले मशीन वगैरह दो रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं, ये पानी की टैंकी खड़ी की हुई है, मशीन दो रहे हैं साथ साथ, इसके बाद इनको खाना खिलाएँगे तो इनको फारग कर देंगे। आज का काम हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, खाने का काम हमारा भी बाकी है, अभी थोड़ी देर तक खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मशीन दो रहे हैं, ये डीजल के साथ मशीन ये आप देख सकते हैं, ये होना भी यही चाहिए, अपने बाहर संभाल के रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारी डीपी लग गई है और इस पे चौधरी साहब ने खाना स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह। जी नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया कंप्लीट, भराई वाले चले गए हैं। ये डीपी लगाने के लिए मरीज सैन साहब और इसके साथ शायद भाई है जिन्होंने माशाल्लाह लीन बहुत ज़बरदस्त की है और गरमाला बहुत ज़बरदस्त लगाया है और बिल्कुल लेवल निकाल दिया, जो छोटी मोटी आधी पौनी इंची का फ़र्क था इन्होंने कवर कर दिया है। तो आप अभी हम खाना खाने लगे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि खाना जो है इकट्ठे खाएंगे, मगर वो मशीन वाले कह रहे हैं कि हमें नकदी दे दें, हम अपना खाना खुद ही खाएंगे, उनको नकदी दे दी है तो हमने इधर अपना खाना मंगा लिया है। ये इसी तरह होता है, ठेकेदारों का यही हाल होता है जी, जहाँ मिल जाए उधर ही खा लेते हैं। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, तो आज की वीडियो यहाँ पर करते हैं ख़त्म। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।